राहुल गांधी की नई जिम्मेदारियों का आज पहला दिन संभालेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष का काम। जयपुर में कांग्रेस की चिंतन बैठक में शनिवार को नंबर 2 की कुर्सी पर हुई थी ताजपोशी। उपाध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में भावुक हुए राहुल। कहा, बधाई देते वक्त रो पड़ी थी सोनिया। नई भूमिका पर कहा, वकील नहीं जज की तरह काम करूंगा। राहुल ने दिया टिकट बांटने के नियम में बदलाव का संकेत। कहा, अब टिकट देने में संगठन की चलेगी, पैराशूट से नहीं गिरेंगे नेता। राहुल के स्वागत के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर उमड़े कांग्रेसी। ढोल नगाड़े के साथ किया स्वागत। खुली गाड़ी में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करने निकले राहुल। 10 जनपद पर भी मना जश्न। भावुक भाषण पर कांग्रेसियों ने थपथपाई राहुल की पीठ। जनार्दन द्विवेदी ने कहा, दिल को छू गई राहुल की बात। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने राहुल के भाषण को बताया बेहतरीन। कहा, राहुल के भाषण में पूरे देश को संदेश। अल्वी के मुताबिक, राहुल के भाषण से छलकी सच्चाई और समर्पण। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने भी की राहुल के भाषण की तारीफ। कहा, भाषण सुनकर आंखों में आ गया। बीजेपी को रास नहीं आया राहुल का भाषण। शहनवाज हुसैन ने कहा, राहुल ने कुछ भी नया नहीं कहा। लालू ने राहुल गांधी के प्रमोशन का किया स्वागत। कहा, देश में गांधी परिवार का कोई विकल्प नहीं। विदर्भ की कलावती ने राहुल के प्रमोशन पर जताई खुशी। कहा, राहुल के आने पर विदर्भ के किसानों की स्थिति सुधरी। आज बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे कल्याण सिंह। बीजेपी की संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। गडकरी और राजनाथ समेत बीजेपी के आला नेता यात्रा में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए नितिन गडकरी का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज ने कहा, वो नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष का चुनाव। 23 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की तारीख। महंगाई के खिलाफ दिल्ली के छतरपुर में बीजेपी की जनाक्रोश रैली। कांग्रेस की नीतियों को बताया जन विरोधी। शिंदे के बयान पर बरसी बीजेपी। प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा, आतंकवादियों और नक्सलियों से निपटने की बजाय हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं शिंदे। कहा, माफी मांगे गृहमंत्री। बयान तूल पकड़ने पर शिंदे ने दी सफाई। हिंदू नहीं भगवा आतंकवाद की बात कही, कुछ भी नया नहीं कहा। जयपुर में शिंदे ने कहा, बीजेपी आरएसएस के कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग की रिपोर्ट। आज से महंगा हो गया रेल का सफर, बढ़ा किराया। आज से हुआ लागू। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने किया था रेल किरायों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे से 10 पैसे की बढ़ोतरी का ऐलान। प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को लिखी चिट्ठी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिलाया मजबूत लोकपाल का भरोसा। पत्र में पीएम ने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 को जल्द से जल्द संसद में पास कराएगी सरकार। आज तक की सीधी बात में राजनाथ सिंह की खरी-खरी। कहा, पाकिस्तान अपनी गलती स्वीकार करे। क्रिकेट और बॉलीवुड शांति प्रचार नहीं कर सकते। राजनाथ ने पाक पर बार बार समझौता तोड़ने का इल्जाम भी लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू ने कहा नटवर लाल। कहा, बिहार की जनता से नीतीश ने की धोखाधड़ी। 7 अप्रैल को गांधी मैदान में पटना में करेंगे परिवर्तन रैली। ममता ने केंद्रीय सरकार से पश्चिम बंगाल से मांगी बेहतर एयर कनेक्टिविटी। कहा, इससे सूबे में बेहतर होगी निवेश की संभावना। गाजियाबाद में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। चौथा युवक बाल बाल बचा। चारों युवक राजधानी का बना रहे थे वीडियो। दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले हैं 3 युवक। दिल्ली के विशंभर 10 मार्ग पर I-10 कार में लगी आग। महिला और ड्राइवर ने कार से निकलकर बचाई जान। कार में लगी थी CNG किट। दिल्ली के आदर्श नगर में केबल ऑपरेटर के घर चोरी। चोर आधा किलो सोना 1 किलो चांदी के गहने के साथ 11 लाख कैश ले उड़े। केबल ऑपरेटर ने बनवाया था मंदिर। पूरा परिवार मंदिर के उद्घाटन में गया था। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में फुट ओवर ब्रिज से टायर ट्रेलर। किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली में शादी में गोली लगने से ASI की मौत के बाद डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। पोस्टमार्टम से पहले एक्सरे नहीं किया।
गुड़गांव पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गैंग के 3 बदमाश भी पकड़े गए। बदमाशों पर हत्या और लूट के 1 दर्जन से ज्यादा मामले। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों ने दिखाई दरिंदगी। लैंडमाइन विस्फोट कर सीआरपीएफ के 11 जवानों को बुरी तरह से घायल किया। झुमरा पहाड़ में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान हमला। जवानों को रांची के अपोलो अस्पताल किया गया रेफर। नई मुसीबत ने मुंबई के विवादित एसपी वसंत ढोबले। फेरीवाले के 14 बरस की बेटी ने तोड़ा दम। पहले हुई थी हॉकर की मौत। मुंबई के साकीनागा में डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। एक मिस कॉल की वजह से पति ने पत्नी और अपने दोस्त की ली जान। पति को था शक की बीमारी। 7 जनवरी को किया था दोनों का कत्ल। गोवा में 7 साल की बच्ची से स्कूल में रेप के मामले में प्रिंसिपल सस्पेंड। लेकिन आरोपी का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। सुराग देने वाले को मिलेगा 50,000 का इनाम। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। बिहार के सारण में डीआईजी पर 10 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। पुलिस ने डीआईजी के 3 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। शराब कारोबारी ने डीजीपी से की थी डीआईजी आलोक कुमार की शिकायत। आर्थिक अपराध शाखा कर रही है मामले की जांच। बिहार के दरभंगा में शादी के मंडप पर दूल्हे को मारी गोली। दूल्हे की मौके पर मौत। दूल्हे को जब मारी गोली तो उस वक्त वो दुल्हन को पहना रहा था वरमाला। हथियार फरार। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली विभाग कानपुर के चिड़ियाघर में 31 संरक्षित काली हिरण की मौत से हड़कंप। आनंद फानंद में पोस्टमार्टम कर शव को दफनाया। दो आवारा कुत्तों ने हमला कर हिरणी को उतारा मौत के घाट। चिड़ियाघर के कर्मचारियों की लापरवाही से घुसे थे कुत्ते। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर तिस्ता नदी में गिरी जीप। 16 लोगों की दर्दनाक मौत। बर्फबारी ने फेरा स्टुअर्ट ब्रॉड की उम्मीदों पर पानी। हीथ्रो के हवाई अड्डे पर रद्द हो रही उड़ानों के चलते नहीं आ पाएंगे भारत। मोहाली और धर्मशाला वनडे मैच अब नहीं खेल पाएंगे। मुंबई और सर्विसेज के बीच रणजी मैच का नतीजा 6 दिन तय होगा। खराब मौसम से नहीं हो पाया था सुबह के सेशन का मैच। फाइनल में पहुंचने के लिए सर्विसेज को चाहिए 291 रन। रणजी में सौराष्ट्र ने रचा इतिहास। पंजाब को 229 रन से हराकर रणजी फाइनल में जगह बनाई। 75 साल में सौराष्ट्र पहली बार पहुंचा है फाइनल। श्रीलंका आईसीसी से करेगा मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ की शिकायत। श्रीनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4वां वनडे मैच रद्द किया था। श्रीलंका उनके फैसले था नाराज। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स पर 2 मैचों की पाबंदी। स्लो ओवर पर लगी पाबंदी। उनकी जगह ड्यूल प्लेसेस करेंगे कप्तानी। यूपी के सीएम अखिलेश ने क्रिकेट में दिखाया हुनर। आईएस 11 के खिलाफ मैच में जड़ा अर्धशतक। 2 विकेट चटकाकर सीएम 11 को बनाया विनर। मुंबई मैराथन में दौड़े मेंस हेल्थ मैगजीन के मॉडल्स। कहा अगर फिट हैं तो हमेशा रहेंगे हिट। 6-pack abs के साथ मुंबई मैराथन में दौड़ने वालों का बढ़ाया हौसला। फिल्मफेयर अवार्ड में बर्फी की धूम। मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। कुल मिलाकर बर्फी की झोली में गए 7 अवार्ड। रणबीर कपूर चुने गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। बर्फी के लिए मिला पुरस्कार। लगातार 2 साल रणबीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड। विद्या बालन की झोली में कहानी के लिए विद्या को मिला पुरस्कार। बराक ओबामा ने ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में हुआ समारोह। आज जनता के सामने ओबामा फिर से लेंगे शपथ।
रोनाल्ड रीगन के बाद दो बार शपथ लेने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली की बुलाई बैठक, पाक के मौजूदा सियासी हालात की होगी चर्चा। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, सुरक्षाकर्मियों पर कत्ल के आरोपों पर अदालत में चल रही थी कार्रवाई। अल्जीरिया के सैनिकों ने गैस प्लांट को आतंकवादियों से खाली कराया, 4 दिनों तक आतंकवादी कब्जे में था गैस प्लांट। रूस में मिस स्नो यूनिवर्स प्रतियोगिता खिताब के लिए जीरो जनरेशन में बिकनी परेड तोमसक शहर की व्लादिस्वावा ने जीती मिस स्नो प्रतियोगिता, खिताब मिला तो सर्दी का सितम भूली सुंदरी।